वेड माणसाला काहीतरी वेगळं करण्यास भाग पाडते. असंच आदर्श नागरिक व आदर्श समाज बनवण्याचं वेड उराशी घेऊन बिहार आणि झारखंड मधील उर्मिला कुमारी, सावित्री मुर्म या दोन्ही महाविद्यालयीन तरुणी भारत भ्रमण करीत आहेत. भ्रमण करीत असताना त्यांनी जिल्ह्यातील बांदा पोलीस ठाण्याला भेट दिली. त्यावेळी सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या प्रतिनिधी मंगल कामत त्यांनी या दोघींच्या भारत भ्रमंतीबद्दल जाणून घेतलंय. पाहूयात काय आहे या दोन्ही तरुणींचा भारत भ्रमंतीचा उद्देश. हे वेड आहे देश सेवेचं, हे वेड आहे सामाजिक बांधिलकीचं. डोळ्यात स्वप्न आहे ते युवतीच्या सशक्तीकरणापेक्षा पुरुषांचे मानसिक सशक्तीकरण होणे. आणि हाच उद्देश घेऊन बिहार मधील उर्मिला व झारखंड मधील सावित्री मुर्म या दोन्ही तरुणींनी 13 ऑक्टोबर 2017 रोजी बिहार येथून सायकल प्रवासाला प्रारंभ केला. तेथून दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र अशी राज्ये फिरत बांदा येथे त्यांनी भेट दिली. पुढे गोवा कर्नाटक मार्गे उर्वरित राज्य फिरण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. या प्रवासात शाळा महाविद्यालयामध्ये आदर्श नागरिक व आदर्श समाज करीत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. उर्मिला ही BA शेवटच्या वर्षाला असून सावित्री मुर्म ही BSc शेवटच्या वर्षाला शिकत आहे. NCC माध्यमातून त्या असे अनेक उपक्रम राबवित असतात. या उपक्रमासाठी त्यांना ओडिक कंपनीने सहाय्य केलंय. बांदा पोलीस ठाण्याला त्यांनी भेट दिल्यानंतर त्यांनी गोव्याच्या दिशेने आपला प्रवास सुरू केला. मैं उर्मिला कुमारी और मेरे साथ मुर्मू है. हम दोनों बिहार एंड झारखंड से हैं. हम लोग अभी ऑल इंडिया साइकिल एक्सपीडिशन पे हैं. हम लोग NCC कैडेट हैं. इसके पहले मुर्मू हर्षा के साथ साइकिलिंग बिहार के राजधानी पटना से स्टार्ट की थी. हम लोग का उद्देश्य था नारी सशक्तिकरण और आदर्श नागरिक समाज का निर्माण करना. क्योंकि हर्षा के फादर जब वो मुंबई में, अब तक हम लोग 11 स्टेट ये लोग कवर कर चुके हैं साइकिल से, तो हर्षा जो इसके पहले मेरे से पहले जो साइकिल कर रही थी उसके ग्रैंडफादर डेथ कर गए, तो उसकी वजह से उसको मुंबई से लौटना पड़ा. तो हम लोग का मिशन रुक ना जाए इसलिए हम लोग कंटिन्यूसली मुंबई से हम आकर के इस साइकिल एक्सपीडिशन को ज्वाइन किए हैं. उसके बाद आपको मुर्मू बताएगी कितने राज्य हम लोग कवर किए हैं अब तक. मेरा नाम सावित्री मुर्मू है. मैं झारखंड जमशेदपुर से हूँ और मैंने अभी तक 11 राज्य कम्प्लीट कर चुके हैं. हम 13 अक्टूबर 2017 को हम स्टार्ट किए थे. अभी तक हम बिहार, UP, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, देन हम महाराष्ट्र में इन हुए. अब हमारे ये लास्ट है. कल हम गोवा की ओर जाएंगे. गोवा देन कर्नाटका, केरला, साउथ कवर करेंगे. फिर नॉर्थ ईस्ट कवर करने के बाद जो हमारा एंडिंग पॉइंट है वो बिहार ही रहेगा. बिहार पढ़ना ही एंडिंग पॉइंट है. मेरा एजुकेशन है BA Part 1 सिमुम कॉलेज चांडिल. मेरा उम्र 20 साल है. मैं BSc Part 2 की स्टूडेंट हूँ. मैं पटना में ही पढ़ती हूँ. बहुत सारा रास्ते में देखने के लिए मिला. हम लोग स्कूल विजिट भी करते हैं. वहाँ जाके स्कूल में बच्चियों को बताते हैं कि वॉलेंटियर्स, एक्चुअली हम लोग पटना में वॉलेंटियर सर्विस भी देते हैं. कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस हमारे टीम का नाम है और वो लोग सारे लोग वॉलेंटियर्स देते हैं. वो हम लोग का ग्रुप एक है. सभी उसमें NCC कैडेट के बच्चे होते हैं. और हम लोग जैसे रोड पर क्राउड कंट्रोल हो गया कोई फेस्टिवल में तो उसमें हम लोग हेल्प करते हैं. या फिर कहीं रोड पे एक्सीडेंट होता है तो हमारे एक क्विक मोबाइल टीम है. वो वहाँ पे तुरंत आपके कॉल करने पे वहाँ तुरंत पहुँच के उन लोगों की मदद करती है. तो वही टीम हम लोग को गाइड करके यहाँ तक भेजी है. वो टीम हम लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा रात को हम लोग को टारगेट प्रोवाइड करती है. वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते हैं. फिर पुलिस स्टेशन वाले हम लोगों को एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाते हैं और फिर वहीं पर हम लोग रहते हैं. सब हमारा देश का नाम भारत है. इसको सोने के चिड़िया भी कहते हैं. हमारा देश जो है सही में बहुत अच्छा है. अभी तक हम जहाँ जहाँ भी घूमे हम उसको रियलाइज़ किए, बस देखे ही नहीं, वहाँ जाके रहे, फिर उस चीज़ को फील किए कि यहाँ है क्या. हर हर अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ के लिए फेमस है. और जहाँ भी जाते हैं अलग तरीके का फीलिंग आती है और अच्छा एक्सपीरियंस और अलग ही एक्सपीरियंस. जहाँ भी जाते हैं हर रोज़ का हमारा नया टारगेट रहता है. नई जगह को देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए कल्चरल में रहते हैं और नया एनवायरनमेंट रहता है. सब कुछ नया, मतलब हमारे लिए हर रोज़ एक चैलेंजिंग होता है और एक हम हर चीज़ हर रोज़ सीखते हैं. तो इसको हम पॉइंट आउट करके नहीं बोलेंगे कि यही शहर अच्छा है. जैसे कि हम इंदौर जब पहुँचे तो वो एकदम बिल्कुल क्लीन सिटी था. जैसे हम अहमदाबाद गए तो वहाँ उसको कहते हैं कि बहुत कॉस्टली वाला सिटी है. फिर जब हम इंदौर आए तब हम वहाँ देखे कि हर चीज़ का, मतलब लोग जो हैं सब सफाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनको इंडिया बेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है साफ सफाई में.
फिर जब हम अहमदाबाद पहुँचे, अहमदाबाद देख वहाँ बताया गया हमें कि ये बहुत कॉस्टली सिटी है। फिर मुंबई आए, मुंबई देखे कि वो उसका एक अलग ही पहचान है, बहुत बड़ा शहर है, महानगर है, वहाँ हर चीज़ मतलब कॉस्टली से लेके मतलब हर चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान देता है, सिक्योरिटी से लेके एक एक चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं लोग। हमारा संदेश यही है, नारी सशक्तिकरण करना। मोदी जी भी इस बात को, ये हम लोगों को स्लोगन दिए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम लोग का ये सोच है कि पहले सब लोग कहते हैं कि अब महिलाओं को अपनी सोच बदलना होगा, उन लोगों को आगे आना होगा, बट हमारा ऐसा ये सोच नहीं है। हम लोग को लगता है कि पुरुषों को उनका सोच बदलने की ज़रूरत है। महिलाओं तो हर चीज़ के लिए रेडी होती हैं, हर काम वो करना चाहती हैं, बट पुरुष करने दो तब ना। तो हम लोगों का ये कहना है कि महिला सशक्तिकरण ना होकर के पुरुष सशक्तिकरण होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। और आदर्श नागरिक समाज का निर्माण करना अभी हमारा उद्देश्य है। जब तक हमारे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा, अपने आप में हम लोग नहीं सुधरेंगे, तब तक हम समाज को नहीं सुधार सकते हैं, और जब तक समाज नहीं सुधरेगा हमारा देश नहीं सुधरेगा। तो इसलिए सबसे पहले आदर्श नागरिक समाज का निर्माण करना, यही हमारा आदर्श समाज। और इस चीज़ का स्टार्टिंग हम यंग जनरेशन से स्टार्ट करेंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें उन्हीं की आदतों में ये ढाल देना है कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है, हमें लड़कियों को इज्जत करना है, मम्मी का आदर करना है, पापा मम्मी पापा का हमेशा रेस्पेक्ट देना है उनको, अच्छे से बिहेवियर जब तक बच्चे में ढलेंगे नहीं तब तक वो, जब तक बड़े हो जाएंगे तब वो समझेंगे नहीं इस बात को। किसी बच्चे को जब जब आप छोटे साँचे मतलब जब वो कच्चे होते हैं उसी साँचे में आप ढालेंगे तो वो उसी तरह से बनेंगे। तो हमारा जो मिशन है ये हम यंग जनरेशन को लेके जा रहे हैं कि उन्हें हम ये चीज़ बताएंगे कि आप अभी जिस तरह का बिहेव करोगे आप ही देश के भविष्य हो, आप ही आप जो हो वो देश बनेगा। आप बदतमीज़ हो तो देश बदतमीज़ बनेगा, आप अगर आदर्श हो तो आपका देश आदर्श बनेगा।